मेरी आंवला के लोगों से विशेष अपील है कि जिस तरीके से आंवला विधानसभा आदरणीय विधायक और पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई श्री धर्मपाल सिंह ने उच्च स्तर पर ले जाने का काम किया है और जिस तरीके से आंवला विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, गांव को सड़कें नहीं थे, स्कूल नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की भी अच्छी स्थिति नहीं थी, लेकिन अपने कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाने का काम आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी ने किया है। कोई गांव, कोई मजरा ऐसा नहीं बचा जो सड़क से ना जुड़ा हो, कोई गांव, कोई मजरा ऐसा नहीं बचा जिस गांव में बिजली ना लगी हो। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि कि जिस तरह से दूसरे लोग लोगों को बांट करके, लोगों को डांट करके पार्टियां बंदी बनवाने का काम करते हैं, हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय विधायक जी ने गांव की पार्टी बंदी बंद कराने का काम किया। पार्टी बंदी से अलग हट करके लोगों का विकास कैसे हो, लोगों को न्याय कैसे मिले, लोगों को सामाजिक न्याय कैसे मिले, लोगों को राजनीतिक न्याय कैसे मिले, घर घर राशन कैसे पहुंचे, लोगों के स्वास्थ्य की कैसे चिंता हो, शिक्षा की कैसे बच्चों को व्यवस्था हो, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय विधायक जी ने और हमने विशेष ध्यान देने का काम किया है। मेरी आंवला के लोगों से अपील है, निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान 14 तारीख को कमल का बटन दबाकर करें, जिससे आप देश की स्थिति को देखेंगे, प्रदेश की स्थिति को देखेंगे। हमारा ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो जाति की बात नहीं करता, धर्म की बात नहीं करता, व्यक्ति की बात नहीं करता, बल्कि जिसको जरूरत है उस जरूरतमंद के साथ हमारी सरकार खड़ी। हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जिस तरीके से सामाजिक न्याय देने का काम करता है, तुष्टिकरण के खिलाफ लगातार खत्म करने का काम करता है, समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो लोगों की जमीन पर कब्जे होते हैं, तहसील और थाने दलाली के अड्डे बन जाते हैं, पिटने वाला जब थाने जाता है तो पीटने वाला थानेदार की कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आता है। हमारी सरकार में प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश को छोड़कर के चले गए। आप देखेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज की सरकार में जो छोटा व्यक्ति होता था, पीड़ित व्यक्ति होता था, उसको कहीं ना कहीं दिक्कत आती थी। हमारी सरकार में सबको न्याय, सबको सुरक्षा, सबकी मदद करने का काम किया गया। आप देखेंगे जब देश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना आया तो लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें अर्थ की चिंता नहीं करनी है, हमें देश की चिंता करनी है, हमें लोगों की जान बचाने का काम करना है। यही समाजवादी के लोग, यही अखिलेश मियां ये कहते थे ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, ये तो मोदी जी की वैक्सीन है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, लोगों को कहीं ना कहीं भटकाने का काम कर रहे थे, अटकाने का काम कर रहे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देकर के हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया, और वही भाजपा की वैक्सीन, वही मोदी जी की वैक्सीन इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगवाने का काम किया, जो लोगों की जान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे। तब मैं अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, 1-1 वोट आपका भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। 14 तारीख को कमल का बटन दबा करके भारी मतों से आदरणीय धर्मपाल जी को यहां से पुनः विधायक बनाएं, यही मैं आप लोगों से अपील और निवेदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।